नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। रीवा जिले के एक दिन के प्रवास पर आए मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री एवं खेल मंत्री जीतू पटवारी को युवा एकता परिषद एवं क्रीड़ा भारती के सदस्यों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। रीवा जिले के गोविंदगढ़ की बहुप्रतीक्षित मांग तहसील कार्यालय स्थापित कराए जाने, कॉलेज भवन निर्माण एवं पोलो ग्राउंड बाउंड्री बॉल एवं सिंथेटिक टैंक बनवाने हेतु युवा एकता परिषद एवं क्रीड़ा भारती के सदस्यों अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय पहुंचकर उच्च शिक्षा एवं खेल युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी से मिलकर उन्हें अपना मांग पत्र सौंपा गया, जिस पर श्री पटवारी द्वारा मांगों के पूर्ण रूप से निराकरण करने का आश्वासन भी दिया। आपको बता दें कि युवा एकता परिषद के द्वारा लगातार सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दों को उठाया जाता रहा है और इस बार भी कुछ ऐसा ही युवा एकता परिषद के पूर्ण सदस्यों के साथ साथ संरक्षक सचिन शर्मा सूर्या के द्वारा किया गया है। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं हमारे रिपोर्टर अमन शुक्ला आर्यन की ये रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। स्पोर्ट्स ये दोनों दिन और तहसील का क्या नाम है आपका? आप अच्छी टीम भी है। कोई बात और भी हो तो जमीन नहीं मिल रही है। जमीन है सर, खेल है पर उसको स्थानांतरित कर दिया है सिंचाई विभाग। हाँ, सिंचाई विभाग से एजुकेशन में लेनी है जी, तो वो डीएम को मैं बोलूँ। ये लाइन है डीएम को बोलूँ। हाँ वो पोलो ग्राउंड है, एक वहाँ का ऐतिहासिक पोलो ग्राउंड खराब हो रहा है। पोलो ग्राउंड स्टेडियम। खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।